आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में साप्ताहिक हवन यज्ञ का आयोजन करवाया गया। इस दौरान मुख्य यजमान के तौर पर राजेंद्र शर्मा और श्रीमती भारती शर्मा ने हवन यज्ञ में आहुतियां डाली। यज्ञ ब्रह्मा सुरेश शास्त्री ने विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण कर आहुतियां डलवा यज्ञ संपन्न करवाया, जिसके उपरांत भजन गायिका सोनू भारती, रवि पौडवाल और सुरेंद्र गुलशन ने भजनों के माध्यम से आए हुए भक्तजनों को मंत्रमुग्ध किया। वहीं इस मौके पर महामंत्री हर्ष लखनपाल ने मंच संचालन किया। आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने उपस्थित भक्तजनों को धन्यवाद भी किया। इस मौके पर सुभाष आर्य, अश्विनी डोगरा, भूपिंदर उपाध्याय, अनु आर्य, कुबेर शर्मा, ओम प्रकाश मेहता, सुरेंद्र अरोड़ा, राजीव शर्मा, चौधरी हरिचंद, पूनम मेहता, सविता बावा, सुनीत भाटिया व अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। हमें जो मनुष्य का जीवन मिला है, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए मिला है। इतने सी बात अगर हम समझ जाए, ये जो मनुष्य का जीवन हमें परमात्मा ने दिया है, अच्छे कर्म करने के लिए और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दिया है, तो हम कभी भी इस जीवन में बुरे कर्म नहीं कर सकते। और अगर बुरे कर्मों से हम बच गए तो हमारा जीवन पवित्र बन जाता है, हमारा जीवन सफल हो जाता है। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के तीसरे नियम में लिखा है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। आर्य समाज शहीद भगत सिंह नगर में हर रविवार की तरह इस बार भी साप्ताहिक यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य यजमान के रूप में आज राजेंद्र शर्मा जी, भारती शर्मा जी उपस्थित हुए। आर्य समाज के सुप्रसिद्ध विद्वान पंडित सुरेश शास्त्री जी ने पवित्र पावन वेद मंत्र से यज्ञ को संपन्न करवाया और उन्होंने कहा कि यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कर्म है। यज्ञ को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगी श्री कृष्ण जी और हमारे ऋषि मुनि इस यज्ञ को करते रहे। पिछले दिनों कोरोना काल आया, तब भी लोगों यज्ञ को महत्व दिया। यज्ञ एक ऐसी पद्धति है जिससे कि हमारे आसपास के सभी जीवाणुओं को नाश हो जाता है और हमारे शरीर को लाभ मिलता है, स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। इसलिए हमें घर घर यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि आर्य प्रतिसभा पंजाब के प्रधान सुदर्शन शर्मा जी के नेतृत्व में ये आर्य समाज कार्य कर रहा है।